भारती, आज बात करेंगे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के पीछे की अनकही अनसुनी सच्चाई और अंग्रेजों के प्रोपेगेंडा के बारे में। की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स मानी जा रही है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। YRF की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में होंगे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख। इस फिल्म की कहानी आधारित है कन्फेशंस ऑफ अ ठग नाम के नॉवल पे। इस नॉवल को लिखा था 1839 में ब्रिटिश ऑथर फिलिप मिडोस टेलर ने। यह नॉवल उस टाइम पे ब्रिटेन ही नहीं लेकिन बाकी दुनिया में भी काफी फेमस हुआ था और उस सदी का वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स था। इस कहानी का मुख्य किरदार है अमीर अली नाम का एक आदमी जिसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और इसके कन्फेशंस पर ही ये नॉवल लिखा गया। इस नॉवल में अमीर अली को एक ठग बताया गया है, बहुत ही खूंखार और शातिर ठग बताया गया है। अगर मोटे मोटे तौर पर इस नॉवल की कहानी की बात करें तो इस नॉवल में ये बताया गया है कि हिंदुस्तान में 19वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे ठग थे जिनका काम होता था अंग्रेजों को, यात्रियों को और पर्यटकों को गाइड बनके उनका विश्वास जीतना और फिर एक बार उनका विश्वास जीतने के बाद बड़ी क्रूरता से उनकी निर्मम हत्या कर देना और उनको लूट लेना, उनकी लाशों को दफना देना। इस नॉवल के अनुसार ये बहुत सारे ठग ऐसे कत्लेआम कर रहे थे और इससे ब्रिटिश सरकार जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेशली, बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये नॉवल फिक्शनल नहीं था, एक नॉन फिक्शनल नॉवल था। सवाल ये भी उठता है कि अंग्रेजों ने हमारा इतिहास क्यों लिखा और हमने बिना कोई सवाल पूछे उस इतिहास को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, मान क्यों लिया। असल में अंग्रेजों द्वारा लिखी गई इन लोगों की कहानी, जिन लोगों को अंग्रेजों ने ठगों का नाम दिया, सच्चाई से कोसों दूर है। हकीकत में ये लोग हिंदुस्तान के ट्राइबल समाज के लोग थे जिनको हम जनजाति कहते हैं। जनजातीय समाज के लोग थे जो कालीबाता के भक्त माने जाते थे और जंगलों में रहते थे। ये उन जंगलों में रहते थे जिन जंगलों में रबड़ के पेड़ों की भरमार थी। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों की जमीन पर कब्जा करना चाहती थी लेकिन ट्राइबल समाज के लोग अपनी जमीन का एक इंच भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देना चाहते थे और असली परेशानी अंग्रेजों को और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी बात से थी। इनकी जमीनें हथियाने के लिए अंग्रेजों ने जो सबसे पहला कदम उठाया वो था 1835 में ठगी एंड डकोइटी डिपार्टमेंट का गठन करना। इस डिपार्टमेंट का पहला सुपरिंटेंडेंट बनाया गया निहायती क्रूर अंग्रेज सिविल सर्वेंट विलियम हेनरी स्लीमैन को। स्लीमैन को एक ही जिम्मा सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर ट्राइबल समाज के लोगों से उनकी जमीनें छीनना, उनकी जमीनों पर कब्जा करना। स्लीमैन ने मौत का नंगा नाच यहां से शुरू कर दिया। उसने खुलेआम एक बहुत बड़े पैमाने पर इन ट्राइबल समाज के लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया और एक एक करके उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो विलियम हेनरी स्लीमैन ट्राइबल समाज के इन लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा था और उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा था और दूसरी तरफ अब ब्रिटिश सरकार को इस मौत के नंगे तांडव को सही ठहराने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू करना था और इस प्रोपेगेंडा की जिम्मेदारी सौंपी गई ब्रिटिश प्रेस को, ब्रिटिश ऑथर्स को और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज को। ब्रिटेन में सरकारी फंडिंग से किताबें लिखी गई, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पेपर छापे गए जहां पे इन ट्राइबल समाज के लोगों को ठगों की उपाधि दी गई, ठग का नाम दिया गया। इन किताबों में इनको राक्षस बताया गया और ऐसा दर्शाया गया जैसे कि इस समाज के सारे ही लोग डकैत हैं, चोर हैं, खूनी हैं, लुटेरे हैं। अखबारों में और किताबों में ऐसा दिखाया गया कि जैसे पूरा समाज ही असामाजिक तत्वों से भरा पड़ा है और इस समाज को सुधारने के लिए, हिंदुस्तानी समाज को सुधारने के लिए इन असामाजिक तत्वों का खात्मा बहुत ही जरूरी है। ब्रिटिश प्रेस और ऑथर्स यही नहीं रुके, उन्होंने आंकड़े भी देने शुरू कर दिए जो आंकड़े बिल्कुल झूठे थे। ब्रिटिश प्रेस ने अपने अखबारों में छापा कि ये ठग हर साल 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतारते हैं और अब तक लगभग 2 करोड़ लोगों को मार चुके हैं, जो बात बिल्कुल सच नहीं थी। इस समाज में भी उतने ही चोर, लुटेरे, डकैत थे जितने की किसी भी समाज में होते हैं। यहाँ भी उतने ही असामाजिक तत्व थे जितने की किसी भी समाज में होते हैं। उस वक्त भी हिंदुस्तान में उतने ही असामाजिक तत्व थे जितने की ब्रिटेन में थे, लेकिन ब्रिटेन की प्रेस ने, ऑथर्स ने, यूनिवर्सिटीज ने अपने लिखाई पढ़ाई में ऐसा दिखाया कि ये पूरा समाज ही चोर, डकैत और खूनियों से भरा पड़ा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि खुद अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ठगी एंड डकोइटी डिपार्टमेंट के अनुसार 1870 तक ठगों का नामो निशान मिट चुका था और ठगी की वारदातें भी खत्म हो चुकी थी। अगर ऐसा था तो क्यों 1870 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 पास किया, क्यों यह कानून बनाने की जरूरत पड़ी अगर ठगों का नामोनिशान मिट चुका था? इसका कारण बहुत ही सीधा था, बहुत ही सिंपल था दोस्तों। असल में ठग तो खत्म हो चुके थे लेकिन ट्राइबल समाज के लोग अभी भी अपनी जमीनों पर मौजूद थे और वो अपनी जमीनें छोड़ने को तैयार नहीं थे।
और इन्हीं लोगों को खत्म करने के लिए, इनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को ट्राइबल समाज के इन लोगों को क्रिमिनल बता के उनकी हत्या करके उनकी जमीनों पर कब्जा करने का कानूनी हक मिल गया। इस एक्ट की आड़ लेके अंग्रेजों ने इन ट्राइबल लोगों के ऊपर जुल्मो सितम की सारी सीमाएं पार कर दी। इनके मास मर्डर किए गए, इनकी औरतों के रेप किए गए, उनको सेक्स स्लेव बनाया गया, बंधुआ मजदूर बनाया गया और उनकी जमीनों पर भी कब्जा किया गया। यहाँ सवाल ये उठता है, आखिरकार इन जमीनों में ऐसी क्या बात थी, ये जंगल थे, इन जंगलों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में क्यों लेना चाहती थी, इन जंगलों में ऐसी क्या बात थी। दोस्तों असल में इन जंगलों में थे रबड़ के पेड़। इन जंगलों में वो पेड़ बहु मात्रा में थे, बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जिनमें से कि एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ को इकट्ठा करके रबड़ बनाई जाती है। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसायों में से दो सबसे बड़े व्यवसाय थे कॉफी और रबड़ के व्यवसाय। और रबड़ और कॉफी के प्लांटेशंस पे कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी हद तक जाती थी, कत्लेआम करती थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट एक के बाद एक कानून बना के उनका ऐसा करने में मदद करती थी। अगर आप टॉम डेरी की किताब द बार्मिश ब्रिटिश एम्पायर को पढ़ेंगे तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का ये काम करने का तरीका और ब्रिटिश पार्लियामेंट का उनका साथ करने का तरीका एकदम क्लियरली समझाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। हिंदुस्तान में ऐसा करने से पहले अफ्रीका में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ये सेम मॉडल अपना चुकी थी, जहां पर उन्होंने लोगों की निर्मम हत्या करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, उनकी कॉफी प्लांटेशंस और रबड़ के पेड़ वाली जमीनों पर कब्जा कर लिया था, उनकी औरतों को सेक्स स्लेव बनाया था और जवान लोगों को, बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाया था, उनका कत्लेआम करके उन्हीं की जमीनों पर कब्जा करके उन्हीं से बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। सच्चाई यह है कि उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, दुनिया की एकमात्र सुपर पावर था और दुनिया के नैरेटिव को ब्रिटिश प्रेस ही कंट्रोल करती थी। इसलिए उन्होंने जो कहानियां बताई, जो किताबें बताई, उसको दुनिया ने सुन भी लिया चुपचाप और एक्सेप्ट भी कर लिया। अब उम्मीद यही है कि आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस प्रोपेगेंडे के ऊपर से नकाब उठाएगी और सच्चाई को दुनिया के सामने पेश करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।